Yes, my dear. Very good day to you all. Now, I am going to continue active and passive of present continuous tense as I told you yesterday in my previous video that there is a rule is I am R plus verb 1 ing. Now, when we convert it into passive voice, now we use is, I am, or are plus being plus verb third. We have exercised it. He is playing a doll. जैसा कि मैंने बताया था आपको, as I told you that the object and subject auxiliary verb, subject, object, verb, auxiliary. Here we have to bring it here and this one will move this side and here. Now, a doll is being played by him. He is playing a doll. A doll is being played by him. तो इस तरह से ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का. अब अगर हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं, दैट इज द नेगेटिव. नेगेटिव एग्जांपल में दे आर they are not, singing a song. They are not singing a song singular हो गया. ये singular है, singular object है, तो singular object के साथ singular auxiliary रखी जाएगी. A song is not. संग बाय दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या है? देम. अ संग इज नॉट संग बाय देम, फुल स्टॉप. ये हो गया. दूसरा Are they singing a song? Is a song sung by them? Question mark. Next question कर सकते हैं. Why are they not singing a song? तो why को why में ही रखेंगे, क्योंकि इंटरोगेटिव चेंज नहीं होता है इसका फॉर्म. द फॉर्म ऑफ इंटरोगेटिव डज नॉट चेंज. सो why इज अ song नॉट sung by them? Why is a song not sung by them? This is the thing. Now you have got complete of past present continuous.
here present perfect tense. In present perfect tense we see two auxiliaries, has, singular, plus verb third is used, have, plural, plus verb third is used. This is the general rule for present perfect tense, that here whenever we use active sentence into passive, we apply the rule has or have plus been plus verb third plus by or something else. Now this is the rule. Okay, so as for example singular it is, so he, she, it, and the name of anybody, the name of a person or living beings, have, I, we, you, they, two or more persons. तो ये आपका प्लूरल हो गया और ये आपका सिंगुलर हो गया, ठीक है, ये सिंगुलर में और ये प्लूरल में. ये फार्मूला, जिसे देखिए हम टेंस आपको नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन टेंस के चीज़ों को इसमें बताना पड़ रहा है, तो हम उसको बता रहे हैं जिससे कि आप कभी कंफ्यूजन में ना आए. चलिए अब एक सेंटेंस लेते हैं. ही हैज बट वन डजन पेंसिल फ्रॉम अ शॉप. देखिए मैंने एक उदाहरण लिखा है, एक एग्जाम्पल लिखा, अब इसी पर हम सारे सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. ही हैज बॉट वन डजन पेंसिल फ्रॉम अ शॉप. तो वन डजन जो है वो सिंगुलर है क्योंकि यह एक यूनिट है, यानी कि एक दर्जन. अब इसमें हम अगर यूनिट करते 12 पेंसिल्स होता, ठीक है, अगर हम 12 यूनिट लिखते तो 12 पेंसिल्स होता, वन डजन है तो वह एक यूनिट है, ठीक है, तो ये सिंगुलर नाउन हो गया, काउंटेबल सिंगुलर नाउन है. तो ही हैज़ बॉट वन डजन पेंसिल फ्रॉम ए शॉप. अब आप इसमें और भी डाल सकते हैं, यस्टरडे, क्या यस्टरडे मतलब छोड़िए, ही हैज़ बॉट वन डजन पेंसिल फ्रॉम ए शॉप. चलिए कुछ लिख ही देते हैं, इन द मॉर्निंग. अब आपको फाइंड करना है कि एक लंबा सा सेंटेंस है, इस लंबे से सेंटेंस में आपको फाइंड करना है कि ऑब्जेक्ट कहाँ है. तो ही हैज बॉट वन डजन पेंसिल फ्रॉम ए शॉप इन द मॉर्निंग. अब आप क्या करेंगे, बॉट वर्ब है, वर्ब थर्ड है, ही सिंगुलर है, तो वन डजन पेंसिल ये आपका ऑब्जेक्ट है. अब हम इसी को पहले लेंगे, वन
one dozen pencil. Has been bought by him from Apura. ठीक, फ्रॉम से लेकर मॉर्निंग तक कोई मतलब नहीं है. वन डजन पेंसिल हैज बीन बॉट बाय हिम फ्रॉम ए शॉप इन द मॉर्निंग. या आप इसको भी कर सकते हैं कि ये बाय हिम को आप लास्ट में भी कर सकते हैं. मैं बोल रहा हूँ इसे, वन डजन पेंसिल हैज़ बीन बॉट फ्रॉम ए शॉप इन द मॉर्निंग बाय हिम. ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, वन डजन पेंसिल हैज़ बीन बॉट बाय हिम फ्रॉम ए शॉप इन द मॉर्निंग. क्लियर? तो अब इसको हम हटाते हैं. अगर इसमें नॉट आ गया, मान लीजिए कि यहाँ ही हैज़ नॉट बॉट वन डजन पेंसिल फ्रॉम ए शॉप इन द मॉर्निंग, तो उसका भी यही होगा. फिर वन डजन पेंसिल, ये एक्टिव कह दीजिए, ये पैसिव कर दीजिए. वन डजन पेंसिल Has not been has not been चलिए has not been करिए, has not been bought buy him from a shop in the morning. यह भी हो सकता है, या जैसे भी आप लिखें. ठीक है, इसको देखिए, हैज ही बॉट वन डजन पेंसिल फ्रॉम ए शॉप इन द मॉर्निंग. तो अब यहाँ हैज, तो हैज यहाँ आ जाएगा. हैज वन डजन पेंसिल Has one dozen pencil bought by him from a shop in the morning. Question mark लग जाएगा, note कर लीजिए. Has one dozen pencil bought by him from a shop in the morning, या from a shop in the morning by him, question mark देना पड़ेगा. यहाँ आपको क्वेश्चन मार्क देना पड़ेगा. ठीक है, नोट कर लिया, अच्छी बात है. अब इसी सेंटेंस को हम थोड़ा सा दूसरे तरीके से बात करने की कोशिश कर रहे हैं. थ्री डजन पेंसिल्स, थ्री थ्री डजन पेंसिल्स हैज ही बॉट थ्री डजन पेंसिल्स फ्रॉम ए शॉप इन द मॉर्निंग.
तो अब यहाँ क्या आ जाएगा, थ्री डजन पेंसिल्स का मतलब ये प्लूरल हो गया, ठीक है, वन डजन, टू डजन, थ्री डजन, फोर डजन, अब ये नंबर इसका बढ़ गया, वन के बाद अधिक हो गया, टू डजन होता है, थ्री डजन होता है, तो अब ये प्लूरल में आएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, थ्री डजन पेंसिल्स, ठीक है, तो थ्री डजन पेंसिल इज अ प्लूरल, देन हैव थ्री डजन पेंसिल्स, पेंसिल्स बाट बाय हिम फ्रॉम ए शॉप इन द मॉर्निंग क्वेश्चन मार्क। यानी कि अगर ये सिंगुलर है, इफ इट इज सिंगुलर, इफ द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस इज सिंगुलर अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट इन एक्टिव वॉइस इट बिकम्स अ सब्जेक्ट एंड अकॉर्डिंग टू दैट द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट ऑग्जिलरी वर्ब इज यूज्ड, ऑग्जिलरी वर्ब इज यूज्ड। अगर ये सिंगुलर है तो सिंगुलर ऑग्जिलरी आएगी एक्टिव वॉइस में, और अगर ये प्लूरल है तो प्लूरल ऑग्जिलरी आएगी। यानी कि हमारा ये सब्जेक्ट बन जा रहा है, यहाँ का एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन रहा है, तो इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस। अभी मैंने कल लिखा था कि अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस यूज द ऑग्जिलरी वर्ब, ठीक है। चलिए अब ये ख़त्म होता है। इसी तरह से डब्ल्यू एच वर्ड भी आते हैं, डब्ल्यू एच की बात करते हैं तो डब्ल्यू एच भी ऐसे ही, वाई हैज ही बॉट थ्री डजन पेंसिल्स फ्रॉम ए शॉप इन द मॉर्निंग, वाई कर दीजिए, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, वाई हैव वाई हैव थ्री डजन पेंसिल्स बॉट बाई हिम, ठीक है, अब ये हो गया, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस से बन गया। चलिए इसको मिटाते हैं, सिंपल पास्ट सिंपल पास्ट में सिंगुलर चाहे या प्लूरल कोई भी सब्जेक्ट होता है उसके साथ हम वर्ब टू का यूज़ करते हैं, और जब यह वर्ब टू का यूज़ करते हैं तो पैसिव वॉइस में इसे हम वाज या वर्ब प्लस वर्ब थर्ड करते हैं, ठीक है। ये फार्मूला मेरा कि सिंपल पास्ट इज कन्वर्टेड इनटू वाज वर्ब प्लस वर्ब थर्ड, दे ईट मैंगोज, वो आम खाए थे, दे ईट मैंगोज। तो अब ये मैंगोज ये सिंगुलर है प्लूरल है, प्लूरल है, मैंगोज वर ईटन बाय देम, ठीक है। इसी तरीके से इसका हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव भी कर सकते हैं, डिड सी राइट अ लेटर,
Did she write a letter? तो did के लिए क्या हो जाएगा? A letter यहाँ है तो ये singular है, ठीक है। सिंगुलर में किस लिए आप आएंगे? तो वाज के लिए आएंगे। वाज किसके किसके साथ चलता है? आई, ही, सी, इट और सिंगुलर के लिए चलता है। वर किसके लिए चलता है? वी, यू, दे एंड प्लूरल के लिए चलता है, ठीक है। वर प्लूरल है और आज सिंगुलर है, वाज आई के साथ भी रहता है। डिड सी राइट ए लेटर? अ लेटर सिंगुलर हो गया, वाज अ लेटर रिटन बाय हर, वाज अ लेटर रिटन बाय हर, ठीक है। अब आगे चलते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस में जैसे अभी आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में पढ़ा है इज एम आर, उसी तरीके से पास्ट कंटिन्यूअस में वाज प्लस वर्ब वन आईएनजी होता है और वर प्लस वर्ब वन आईएनजी होता है। द सेम फार्मूला शुड बी अप्लाइड एज यू हैव रेड इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस। जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपने अभी पढ़ा है कि इज एम आर के साथ क्या हम यूज करते हैं, फार्मूला है कि ये सेंटेंस एक ही तरह से बनेगा, इज के जगह पर वाज हो जाएगा, आर के जगह पर वर हो जाएगा, जैसे भी आप उसको कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको समझ रहे हैं आप। वाज प्लस बीइंग प्लस वर्ब थर्ड, वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब थर्ड, तो इस तरह से इस फार्मूले को हम यूज कर सकते हैं। आप उसी सेंटेंस को जो आपने लिखा है अभी सिंपल प्रेजेंट में, उसी तरह से सेंटेंसेस को आप इस पर सॉल्व कर सकते हैं। इट डजेंट मैटर, इट इज़ नॉट हार्ड टू यू टू अंडरस्टैंड। सो अब इसके बाद अब हम प्रेजेंट परफेक्ट पर चलते हैं, पास्ट परफेक्ट, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कह रहे हैं, पास्ट परफेक्ट पे चलते हैं। पास्ट परफेक्ट में केवल एक ऑक्सिलरी आती है, हैड प्लस वर्ब थर्ड का यूज रहता है और इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए जैसे आपने प्रेजेंट परफेक्ट को किया है हैज बीन और हैड बीन, उसी तरह से ये हैड बीन होगा, हैड बीन प्लस वर्ब थर्ड होगा, ठीक है, हैड प्लस बीन आ जाएगा इसमें। तो हैज बीन और हैव बीन लगा है, उसी तरह से हैड बीन हो जाएगा। तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, ऐसी कोई इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आपने अभी इंट्रोगेटिव को किया है, निगेटिव को किया है, ठीक उसी तरीके से यू कैन डू इट इन वेरी इजी मैनर। एंड लेट अस सी, फॉर माय कंफर्मेशन आई वुड लाइक टू गिव अ सेंटेंस टू यू एंड सी वेदर इट इज easy to you to solve, and I hope so that it will be very much comfortable and pleasantly you can solve it.
Had Sheila visited a zoo last month? Had Sheila visited a zoo last month? दूसरा क्वेश्चन है, Why had Sheila visited a zoo last month? दोनों के लिए बहुत आसान तरीका है, आपको इसमें फाइंड करना है कि ऑब्जेक्ट क्या है, वेयर इज द ऑब्जेक्ट। तो नाउ ट्राई टू सॉल्व इट प्लीज, आई होप दैट यू कैन डू इट विदाउट एनी प्रॉब्लम। येस डियर्स, यू आर डूइंग वेल, थैंक यू। नाउ अ ज़ू इज द ऑब्जेक्ट, ओके। अ ज़ू इज द ऑब्जेक्ट, हैड अ ज़ू, had a zoo been visited by whom? By Sheila. Kab? Last month, question mark। इसमें भी है, ये एक्टिव कर दें, ये पैसिव हो गया, फिर ये एक्टिव है, इसका पैसिव क्या होगा? व्हाट वुड बी इट्स पैसिव वॉइस? व्हाई हैड अ ज़ू बीन विजिटेड? व्हाई हैड अ ज़ू बीन विजिटेड बाय Sheila when last month? ठीक है, तो इस तरह से ये भी खत्म होता है। हम चलते हैं थोड़ा फ्यूचर की तरफ। फ्यूचर में ध्यान दीजिएगा, टेंस की बात अगर करते हैं तो फ्यूचर में टेंस के साथ शैल, शैल फॉलो, आई एंड वी प्लस वर्ब वन एंड रेस्ट ऑफ इट फॉलोड बाय द विल, विल विल इज फॉलोड बाय थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड पर्सन, सेकेंड एंड थर्ड पर्सन। देखिए हमने तो लिख दिया सेकेंड एंड थर्ड पर्सन, डू यू नो विच आर द सेकेंड पर्सन एंड विच आर थर्ड पर्सन? सेकेंड पर्सन यू होता है, यू, दी, दाउ, दै, खास करके इसी को यूज किया जाता है। ये तो सब पोएटिक और ड्रामेटिक हैं, ठीक है, इसका यूज बहुत कम होता है या रेयर होता है। थर्ड पर्सन में ही, शी, दे, इट और नेमिंग वर्ड्स आते हैं।
ये थर्ड पर्सन में होते हैं, आई और वी तो फर्स्ट पर्सन होता है। आई और वी इज नोन एज फर्स्ट पर्सन। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हमने जो लिख दिया तो विल जो है किसके साथ चलेगा, तो विल सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ चलेगा। शैल किसके साथ चलेगा, तो फर्स्ट पर्सन के साथ चलेगा, आई और वी। तो आई और वी क्या है, फर्स्ट पर्सन है। ठीक है, चलिए अब जब हम इसका इसका फार्मूला है, विल या शैल प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड। ये इसका प्रयोग हम मॉडल ऑक्सिलरी की तरह से कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे चूंकि टेंस है और पैसिव वॉइस है, तो टेंस के आधार पर हम विल और टेंस के आधार पर हम शैल का यूज करेंगे। तो एक सेंटेंस लिखते हैं, गोइंग टू राइट अ सेंटेंस फॉर योर कन्फर्मेशन एंड आई सपोज दैट यू विल सॉल्व इट। सिविल सॉल्व हर मैथ्स प्रॉब्लम्स, सिविल सॉल्व हर मैथ्स प्रॉब्लम्स। तो फाइंड आउट विच वन इज द ऑब्जेक्ट यू हैव टू टेल, यस कैरी ऑन। कैरी ऑन यस, मैथ्स प्रॉब्लम इज द ऑब्जेक्ट। अब देखिए ये ऑब्जेक्ट मैथ्स प्रॉब्लम्स है, मैथ्स प्रॉब्लम है, चाहे वो सिंगुलर हो, इधर इट इज सिंगुलर आर प्लूरल, इट डजेंट मैटर। वाई? बिकॉज वी हैव टू यूज इधर विल आर शैल, बट द थिंग्स विच आर बी नोटेड एज फर्स्ट पर्सन विल बी फॉलोड शैल एंड रेस्ट ऑफ इट ऑल द पर्सन विल बी फॉलोड बाई विल। सो बी केयरफुल एट इट, मैथ्स प्रॉब्लम, मैथ्स प्रॉब्लम्स will be solved by here, she hai, so that is her in the objective case. The objective case of she is her. The objective case of she is her. Therefore, now you see it is over. The same sentence can be written in the negative form. The same sentence can be written in the negative form. She will not solve her maths problem. She will not solve her maths problem. Now, sorry, just a minute, my dears. Ek minute ruk jana. एक चीज़ मिस कर गया, सी विल सॉल्व हर मैथ्स प्रॉब्लम, तो हर मैथ्स प्रॉब्लम होना चाहिए। ठीक है, आप इम्प्रूव कर लीजिए, हर मैथ्स प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड बाय हर। देखिए ये हर जो है वो सी के लिए है, ठीक है, ऑब्जेक्ट यहां से है,
सॉरी ऑब्जेक्ट यहाँ से है, ठीक है। तो वो पहला सेंटेंस अभी जो मैंने लिख दिया था उसको गलत कर लीजिएगा, कट लीजिएगा, एक्टिव पैसिव, आई हैव लिटल बिट मिस्ड, आई कुड नॉट सी हर, इट वॉज नॉट मैंसन्ड बाई मी, हर मैथ्स प्रॉब्लम विल बी सॉल्व बाई हर, हर मैथ्स प्रॉब्लम, ये हो गया। उसमें अभी हर कर लेना, हर बढ़ा लेना, मैथ्स प्रॉब्लम क्यों लिखा तो मैथ्स के पहले आप हर कर लीजिएगा और कोई बात नहीं। सी विल सॉल्व हर मैथ्स प्रॉब्लम, चूँकि हर लिखा हुआ था इसलिए हर को यहाँ लिख दीजिएगा। चलिए हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ हम नॉट लगाते हैं, यदि वही चीज़ है, हर मैथ्स प्रॉब्लम विल नॉट बी, हर मैथ्स प्रॉब्लम विल और बी के बीच में नॉट होगा, ये रूल है, ठीक है। दिस इज द रूल दैट यूज बी इन बिटवीन विल एंड बी, नॉट इन बिटवीन विल एंड बी, विल नॉट बी सॉल्वड। हर मैथ्स प्रॉब्लम विल नॉट बी सॉल्व बाई हर, ठीक है। नाउ will see not solve her maths problems, will see not solve her maths problem, interrogative negative sentence, it is interrogative as well as negative too, so here you can see will her maths problem will her math problem not be solved by her? Yes, my dear. Here you say that one more thing I would like to solve you. Now, in active and passive voice, there are some special and typical examples of using somebody. तो somebody का जब यूज होता है, जब सब्जेक्ट क्लियर नहीं होता है, when the subject is unclear in confusing condition, somebody that is not certain who, at that moment condition somebody is not used. As somebody has picked up my pocket, somebody has picked up my pocket, suppose this one is active, somebody has picked up my pocket, तो somebody के आधार पर has का use किया गया, picked up my, तो अब इसमें ये लिखा जाएगा my pocket has been picked up, इसका passive होगा my pocket has been
पिक्ड अप, अब बाय समबडी नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि ये अननोन पर्सनालिटी होती है और इसको आप ये एक्टिव हो ये पैसिव, ठीक है, तो इसका ये, तो इनको आप इस तरह से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। दूसरा एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, दैट देयर आर सम सेंटेंसेस दैट हैज अ ड्यूअल ऑब्जेक्ट, तो द सेंटेंस दैट बियर द ड्यूअल ऑब्जेक्ट हैज बीन रिटन इन टू वेज, दो तरीके से लिखा जाता है, जैसे ही गेव मी अ पेन, ठीक, ही गेव मी अ पेन, तो यहाँ डबल ऑब्जेक्ट है, टू ऑब्जेक्ट्स हैं, मी एंड अ पेन, देयर टू ऑब्जेक्ट, द पैसिव ऑफ दिस सेंटेंस कैन बी रिटन इन टू वेज बाई पुटिंग द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जैसे इसको वोकेटिव केस के नाउन्स कहे जाते हैं, दिस इज नोन एज वोकेटिव, द नाउन ऑफ वोकेटिव केस, आर बाई यूजिंग दिस वन आर बाई यूजिंग दिस वन, अ पेन was given to me by him. Second part, second formula, I was given a pen by him. देख ये इस तरह से है, ठीक है, और आपको मैंने ये काम दिया है, आई हैव गिवेन अ वर्क, एंड नाउ इफ एनी अदर प्रॉब्लम आई थिंक इट वुड बी सॉल्व्ड, बेटर यू टू सी द प्रॉब्लम्स, सी द फार्मूलाज केयरफुली, एंड नाउ ट्राई टू सॉल्व इट, फॉर दिस टाइम I hope that you would have well aware about active and passive voice. Thus, the chapter of active and passive voice finish. And in my next video, you will get the next class. After that, thank you. Very good day. Have a nice day to you all.